विभिन्न नंबरिंग सिस्टम्स में कई सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। हमारी दशमलव यानी डेसिमल प्रणाली में 10 सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसे बेस 10 सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम का उपयोग हम नंबर्स लिखने और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में करते हैं। बेस 10 सिस्टम में किसी भी डिजिट का स्थान उसका मैग्नीट्यूड या मान बताता है, जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर हम हर डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए दाईं तरफ से शुरू करने पर पहले डिजिट का मान 1 होता है। दूसरे स्थान की डिजिट का मान पहले स्थान का 10 गुना यानी 10 होगा और तीसरे स्थान की डिजिट का मान दूसरे स्थान की डिजिट का 10 गुना यानी 100 होगा और ये इसी प्रकार बढ़ती जाएगी। नंबर 6, 9 और 4 का मान उसकी डिजिट की पोजीशन से पता चलता है। तीसरे स्थान पर 6 को 100 से गुणा करके हमें 600 की प्लेस वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे 9 × 10 यानी 90 और 4 × 1, इस तरह हमारी संख्या होगी 694। बाइनरी सिस्टम में भी हम किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए प्लेस वैल्यू का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम केवल 0 और 1 दो ही न्यूमेरिक सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। इसे बेस 2 सिस्टम कहते हैं। प्रत्येक स्थान का मान 2 गुना के हिसाब से बढ़ता है। डिजिटल सिस्टम्स अपनी कई एप्लीकेशंस में कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस के लिए बेस 2 सिस्टम का उपयोग करते हैं। आइए इस सिस्टम में प्लेस वैल्यूज निकालते हैं। दाएं से शुरू करने पर मान होगा 2 की पावर 0, फिर मान होगा 2 की पावर 1, इसके बाद 2 की पावर 2 होगी और ये इसी प्रकार बढ़ती जाएगी। इसलिए बाईं ओर चलने पर हर स्थान का मान होगा पिछले वाले का 2 गुना। दाएं से शुरू करने पर मान होगा 2 की पावर 0 यानी 1। दूसरे स्थान पर मान होगा 2 की पावर 1 यानी 2। तीसरे स्थान पर मान होगा 2 की पावर 2 यानी 4। किसी भी डिजिटल मशीन के साथ काम करते वक्त हमें बाइनरी सिस्टम और डेसिमल यानी बेस 10 के सिस्टम के बीच कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम बाइनरी संख्या 110101 को डेसिमल सिस्टम में बदलते हैं। हम बाइनरी से प्राप्त सभी प्लेस वैल्यूज को साथ में जोड़ेंगे। दाएं से बाईं ओर चलने पर हमें पहली डिजिट मिलती है 1। इसे बाइनरी प्लेस वैल्यू 1 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 1। अगले स्थान पर है 0। 0 के केस में हमें डेसिमल सिस्टम में कोई नंबर नहीं मिलता, क्योंकि 0 से गुणा करने पर हमें 0 ही मिलेगा। अगली बाइनरी डिजिट है 1। इसे प्लेस वैल्यू 4 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 4। इसी प्रकार हम बाइनरी नंबर के हर डिजिट को प्लेस वैल्यू में बदलते जाते हैं और सभी वैल्यूज को जोड़ने पर हमें मिलता है 53। आइए अब डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में बदलते हैं। इस प्रोसेस में हम लगातार 2 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल नंबर 37 लेते हैं। इसे 2 से डिवाइड करने पर हमारा भागफल यानी कोशेंट होगा 18 और रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर को पहले स्थान पर रखा जाता है। अब 18 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा कोशेंट 9 और रिमाइंडर 0, इसलिए 0 दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। इसी प्रकार तीसरे स्थान की वैल्यू 9 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगी। हमारा कोशेंट होगा 4 और रिमाइंडर बचेगा 1, ये तीसरे स्थान पर रखा जाएगा। इस 2 से कोशेंट को डिवाइड करने की प्रक्रिया को दोहराया जाता है और हर बार मिलने वाले रिमाइंडर 1 या 0 से बाइनरी नंबर बनाया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोशेंट 0 ना हो जाए और वो 2 से और अधिक डिवाइड ना हो पाए। इससे हमें हमारा बाइनरी नंबर मिल जाता है।